आपको लगता है कि अब कश्मीर अब सही तरीके से पटरी पर आ गया? देखिए, इसका ये मतलब हुआ कि पहले पटरी से उतरा हुआ था जम्मू कश्मीर, नहीं पटरी से उतरा ही नहीं, मैं समझ गया। अरे मैं बेटा, मैं समझ गया तुम्हारी, इसलिए पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि जो परसेप्शन नॉन जम्मू कश्मीरी लोगों का है वहां से निकल, वो सबसे अब आ गया, अब आ गया, बड़ी अच्छी बात, मजे आप खुशियां मनाइए। नहीं हुआ ऐसा है ना कि बड़ा ड्रास्टिक हुआ ये, पहले जो हमने कहा था यूनाइटेड नेशन में या कश्मीरियों को ऑटोनॉमी देंगे वगैरह, वो तो सब खत्म हो गया। अब उससे कुछ बातें अच्छी भी हुई हैं, इस तरीके से कि पहला जो निज़ाम था उसमें जो लाखों रेफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, उनको वोट नहीं था क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं थे, तो मुझे वोट देते थे एज MP, लेकिन MLA की वोट नहीं थी, नौकरी नहीं ले सकते थे, जमीन नहीं खरीद सकते थे, महिलाओं के साथ कुछ व्यवहार ठीक नहीं था, महिलाओं के साथ ये था कि अगर कोई वहां की लड़की शादी कर ले तो प्रॉपर्टी सारी छोड़, तो इस किस्म की कुछ कुरीतियां थी, तो उनके तो वो तो सब ठीक हो गई, और इसमें भी कोई शक नहीं कि तरक्की जाती काम भी काफी हुए हैं। LG जो है मनोज सिन्हा बहुत एक्टिव है, बहुत काम करते हैं सुबह शाम तक, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। एक बात जरूर है कि लोगों के साथ राबता टूट रहा गया, टूट रहा है, टूट गया है, क्योंकि किसके साथ बात करें, वो ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, सेंट्रल रूल है ना, कार और जनता के बीच में जो कड़ी होती है वो मिसिंग है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं प्रार्थना कि भाई एक तो चुनाव करवा दो जल्द से जल्द, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है क्योंकि 16 साल से चुनाव कोई गवर्नमेंट है नहीं, और दूसरा स्टेटहुड फिर से दे दो। देखिए, जम्मू कश्मीर एक अंग्रेजों के वक्त में भी सबसे बड़ी रियासत थी, आजादी के बाद सब कहते थे ये तो भारतवर्ष का मुकुट है, ये है वो, अब वो मुकुट क्या है, अब तो हम हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, ये किसी के गले से उतर नहीं रही है अनुराधा जी। जो भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, चाहे वो कश्मीरी हो या जम्मू हो, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि स्टेटहुड हमारी लेके और हमें अब द्वितीय श्रेणी पे रखा। आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से या अमित शाह जी से इस बात को लेके चर्चा? कोई बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी मैं अपने वक्तव्य देता हूँ जब आवश्यकता होती है। जी जी जी, अब तो इलेक्शन की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि एक बार इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा अपनी जो भी उनकी तकलीफें हैं या जो भी उनके दिल में है। अभी तक कई लोगों के दिल में, खास कश्मीरियों के दिल में अभी गुस्सा है, देखिए हमारी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, हमें जो कहा गया था वो सब धोखा निकला, तो सब लोग खुश नहीं है, लेकिन वोट जब देंगे तो सब देंगे वोट, जैसे यहाँ फ्री एंड फेयर हुआ था। जी, जी, जी।